नमस्कार। आज के हमारे चैप्टर का नाम है बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान। शुरू करते हैं प्रथम भाग में। इसके अगले भाग देखने के लिए आप सभी वीडियोस देखिए। ये पहला भाग है इस चैप्टर का। सबसे पहले बाल विकास की बात कर रहे हैं। विकास की अवधारणा क्या है? विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है जो अविरल, क्रमिक और सतत होती है। तीनों का मीनिंग एक ही है कि यह निरंतर होती है और लगातार चलती रहती है। यानी विकास किसी समय विशेष पर नहीं होता, यह निरंतरता की ओर अग्रसर होता रहता है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। यानी कि बालक से जुड़े हुए सभी प्रकार के विकास विकास की प्रक्रिया कहे जाते हैं। इसमें रुचि, आदत, दृष्टिकोण, जीवन, मूल्य, स्वभाव, व्यक्तिगत और व्यवहार सभी का विकास होता है। बालक के विकास से क्या तात्पर्य है? बालक के विकास की प्रक्रिया। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, उम्र की जो उसकी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उन सब में से गुजरते हुए वह परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। जन्म लेने से पूर्व और जन्म लेने के बाद बालक में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ अलग अलग संबंध पाया जाता है। आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का स्वरूप कैसा है? हम बाल विकास का जो अध्ययन करते हैं उसमें क्या क्या देखते हैं कि बालक का जो आयु के साथ जो उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहे हैं, उसकी रुचियों में परिवर्तन आ रहे हैं, वो कैसे हैं, यह बाल विकास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। क्यों करते हैं हम बाल विकास का अध्ययन और शिक्षक के लिए यह क्यों जरूरी है? शिक्षक बालकों को पढ़ाने की जिम्मेदारी और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जिम्मेदार तत्व है। इसीलिए बालक के विकास के बारे में और उसके मनोविज्ञान के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। यही कारण है कि हम बाल विकास और बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। बालक में समय समय पर जो परिवर्तन होते हैं वह उसके व्यवहार को कैसे बदल देते हैं, यही इसमें अध्ययन करने की स्थिति में हम होते हैं। वृद्धि और विकास जो है दोनों में अंतर होता है। ज़्यादातर लोग दोनों को पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन वृद्धि और विकास में अंतर पाया जाता है। वृद्धि जो है बच्चे का आकार बढ़ना हम उसको भी कह सकते हैं, लेकिन विकास जो है उसके अन्य चीज़ें जैसे कार्य कुशलता है, कार्य क्षमता है, इनसे संबंधित होता है। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसमें गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक, शैशवावस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, युवावस्था 18 से 25 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 25 से 55 और वृद्ध जो होते हैं वो 55 वर्ष से उनकी मृत्यु तक कहे जाते हैं। शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो अधिकतर विद्वान जो हैं बालकों की 4 अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, यानी 4 भागों में बांट करके बात करते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर वयस्क अवस्था। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों को कहा जाता है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है और शैशवावस्था में बच्चे में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि वह जो दूसरों को करते हुए देखता है वही खुद भी करता है। बाल्यावस्था जो है 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है और बाल्यावस्था के प्रथम चरण में 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई और वेट दोनों बढ़ते हैं, वजन दोनों बढ़ते हैं।
किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है। इसमें बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बालक बढ़ता है और किशोरों की लंबाई और भार दोनों में वृद्धि होती है। यहाँ पर बात करें अगर किशोर किशोरियों की बुद्धि का, इसमें पूरा विकास हो जाता है और उनकी ध्यान केंद्रण की क्षमता भी बढ़ जाती है, उनकी याददाश्त बढ़ती है और उसमें स्थायित्व आने लगता है। वृद्धि और विकास से संबंधित विभिन्न आयामों की बात कर रहे हैं, जिसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास, शरीर के बाह्य परिवर्तन होते हैं जैसे ऊंचाई बढ़ना, शारीरिक अनुपात में वृद्धि, यह इसमें स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। आंतरिक अवयव के परिवर्तन बाह्य रूप से तो दिखाई नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास हो जाता है। शारीरिक वृद्धि और विकास की प्रक्रिया व्यक्तित्व के उचित समायोजन और विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप देखेंगे कि जब बच्चा छोटा होता है तो हर कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है तो अपनी खुद के काम खुद करने लग जाता है। शारीरिक वृद्धि और विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव भी हम देख सकते हैं, यानी कि उसके जो खानदान में या उसके माता पिता में जो गुण होते हैं, आनुवंशिक गुण उन्हें कहा जाता है और बालक के विकास पर इनका पूरा प्रभाव पड़ता है। बालक के परिवेश और उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, पोषक आहार नहीं मिल रहा है, तो उसके विकास की सामान्य गति नहीं होती है, यानी कि उसका पूरा विकास नहीं होता है। शारीरिक वृद्धि और विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। इसी जानकारी के आधार पर वह बालक की संबंधित समस्याओं से अवगत हो सकता है। बच्चे की रुचि, उसकी इच्छाएं, दृष्टिकोण आदि जो है उसके विकास पर ही निर्भर है, और यह शिक्षक को पता होना चाहिए कि उसकी रुचि क्या है, इच्छा क्या है और दृष्टिकोण क्या है। मानसिक विकास की बात कर रहे हैं, अभी हमने शारीरिक विकास की बात की, अब आती है मानसिक विकास की बात। मानसिक विकास बच्चे की कल्पना करने की, याददाश्त की, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना और निर्णय लेना, इन सभी के विकास को हम मानसिक विकास कहते हैं। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता नहीं पाई जाती है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है तो उसमें मानसिक विकास भी अधिक हो जाता है। ये कोई विशेष ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसी बिल्कुल साधारण सी बातें हैं जो अगर आप पढ़ते हैं तो आपको शायद समझ में ना आए, तो इसे सरल भाषा में समझ करके आप इस तरह की जो ये आपका एस्टेट का बाल विकास और शिक्षण जो है शिक्षण विज्ञान का पेपर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षक को पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए संज्ञानात्मक विकास क्या है, संज्ञान होता है उसकी जानने की जो बच्चे की मानसिक इच्छा है वह, और उसका मानसिक विकास पर्याप्त रूप से हो रहा है या नहीं, इसे संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। और संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न पहलुओं की जानकारी शिक्षकों के लिए सहायक भी हो सकती है। उसके बाद आता है भाषाई विकास। भाषा का विकास एक तरह से संज्ञानात्मक विकास ही होता है और इसमें मानसिक योग्यता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि जिस बच्चे की मानसिक योग्यता अधिक है उसकी भाषा का विकास भी निश्चित रूप से अधिक पाएगा। भाषाई योग्यता में हम मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोल करके जो हम बताते हैं अपनी बातें, सांकेतिक अभिव्यक्ति या लिखित अभिव्यक्ति, तीन चीज़ें होती हैं भाषाई विकास के अंतर्गत। तीन चीज़ें आती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, बोल करके, संकेत करके यानी इशारों से अपनी बात बताना या लिख करके। भाषाई योग्यता एक कौशल है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, यह एक कौशल है।
और इसको अर्जित करने की प्रक्रिया बालक में जन्म से ही शुरू हो जाती है, जब वह किसी की नकल करता है यानी अनुकरण करता है। यह विकास बालक में धीरे धीरे एक निश्चित क्रम में होता है। जन्म से लेकर 8 माह तक बालक को किसी भी शब्द की प्रायः जानकारी नहीं होती है। बाद में वह 9 से 12 महीने के बीच में 3-4 शब्दों को समझने लगता है। उसके बाद फिर निरंतर धीरे 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 करके उसे बहुत सारे शब्दों की जानकारी हो जाती है और इस तरह से उसमें भाषा का विकास होता है। सामान्यतया 16 वर्ष की आयु तक लगभग 1 लाख शब्दों को वह समझने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। और जो अधिक कुशल बच्चे होते हैं वो इससे भी आगे होते हैं, उनमें और भी ज़्यादा शब्द समझने की शक्ति पाई जाती है। बाल्यावस्था में वह धीरे धीरे एक एक शब्द को लिखेगा और उसके बाद वह तेज गति से लिखने पढ़ना शुरू कर देता है। शिक्षकों को भाषा के विकास की प्रक्रिया का पूरा ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर बालक के भाषा की समस्याएं, जैसे वह अस्पष्ट बोल रहा है, गलत उच्चारण, तुतलाना, हकलाना आदि का समाधान कर सकता है। तत्पश्चात आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास की बात करें तो सबसे पहले समाज के बारे में एक उक्ति कही जाती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बालक में सामाजिक भावना का विकास उसके जन्म से ही शुरू हो जाता है। वृद्धि और विकास के अन्य पहलू जो मैंने जैसे कि पहले बताए, उसी की तरह सामाजिक गुण भी बच्चे में धीरे धीरे आते हैं। यानी पहले वह माता पिता से कुछ सीखता है, फिर आसपास के वातावरण से कुछ सीखना शुरू करता है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया व्यक्ति को सामाजिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुकूल आचरण करने में पूरी पूरी सहायता करती हैं और इस तरह से अपने सामाजिक परिवेश में वह ठीक प्रकार से समायोजित हो जाता है यानी सेट हो जाता है। शारीरिक ढांचा, स्वास्थ्य, बुद्धि, संवेगात्मक विकास, परिवार, पारिवारिक वातावरण, उसके समाज का वातावरण, सभी मिलकर के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तत्पश्चात आता है सांवेगिक विकास। संवेग, जिसे भाव भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व। भय हैं, क्रोध हैं, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद, ये सब संवेग के उदाहरण हैं और आयु के बढ़ने के साथ साथ इनमें भी विकास होता है। मनोगत्यात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियाँ, क्षमता और योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक चलना, बैठना आदि, ये सब होती हैं क्रियात्मक गतिविधियाँ। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है, यानी वह चल भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता। धीरे धीरे उसका इन चीज़ों का विकास होता है। इस प्रकार से जो ये कौशल हैं, मैंने आपको अलग अलग तरह के जो कौशल बताए, इनको अर्जित करने की योग्यता जो है बालक में निरंतर बढ़ती जाती है और एक प्रकार से यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन जाता है उसका विकास।